हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम 12 अप्रैल 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द मिलिट्री ड्रिल नेम्ड ऑपरेशन जॉइंट स्वॉर्ड वाज रिसेंटली कंडक्टेड बाय विच कंट्री। मिलिट्री ड्रिल जिसका नाम है ऑपरेशन जॉइंट स्वॉर्ड, ये किस कंट्री ने रिसेंटली कंडक्ट की थी? इंडिया, फ्रांस, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स। राइट आंसर इज चाइना। और ये की थी अराउंड तैवान आइलैंड। विच इंडियन हैज वन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड चेस और मेगेडॉन एशिया एंड ओशनिया इवेंट। किस इंडियन ने वर्ल्ड चेस और मेगेडॉन एशिया एंड ओशनिया इवेंट टाइटल जीता है? देवाशीष दास, सप्तर्षि रॉय चौधरी, डी गुकेश, अंकित राजपारा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डी गुकेश, जो कि इंडिया के ग्रैंड मास्टर हैं। विच स्टेट हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ पब्लिक हॉलीडे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा ज्योतिबा फुले। किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है पब्लिक हॉलीडे महात्मा ज्योतिबा फुले के बर्थ एनिवर्सरी पर, जो कि एक फ्रीडम फाइटर भी थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, असम, राजस्थान। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, राजस्थान। According to the Tiger Census, how much population of tigers in India increased by the year 2022? Tiger Census के according कितनी population tigers की इंडिया में increase हुई है 2022 तक, मतलब जो last census हुई थी 2019 में हुई थी, 2018 year तक की census, और ये अब 2023 में हुई है 2022 तक, तो कितने टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है? थर्टी वन सिक्सटी सेवन थर्टी टू हंड्रेड सिक्सटी सेवन थर्टी फोर। ये टोटल पॉपुलेशन है, ये इंक्रीज़ नहीं हुई है। ये क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी है, इंक्रीज सिर्फ 200 हुई है जो लास्ट सेंसस हुई थी 2019 में, और जो आज हुई 2023 में उससे सिर्फ 200 इंक्रीज हुई है। तो टोटल अब ये इनकी पॉपुलेशन हुई है 3167। और ये डाटा प्रेजेंट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, फिफ्थ साइकिल जो इंडियन टाइगर सेंसस था वो रिलीज हुआ था, तो उसमें ये प्रेजेंट किया था डाटा। When is World Homeopathy Day celebrated every year? World Homeopathy Day हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 8th अप्रैल, 9th अप्रैल, 10th अप्रैल, 11th अप्रैल। Right answer is 10th अप्रैल। और इस साल की थीम है वन हेल्थ वन फैमिली। द इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस हैज़ बीन लॉन्च बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ हाउ मैनी स्पीशीज ऑफ बिग कैट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस लॉन्च किया है कितने बिग कैट्स की स्पीशीज़ को कंजर्व करने के लिए, कितने बिग कैट्स की स्पीशीज़ को कंजर्वेशन के लिए ये अलायंस लॉन्च किया गया है? 7, 8, 10, 5। राइट आंसर इज 7 स्पीशीज़, ऑप्शन ए। और ये हैं टाइगर, लायन, लिपॉर्ड, स्नो लिपॉर्ड, पुमा, जगुर एंड चीता। और ये लॉन्च किया है पीएम मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस कर्नाटका में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू अचीव नियरली 9% शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम न्यूक्लियर सोर्सेज बाय विच ईयर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस ईयर तक 9% जो इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में जनरेट होती है वो, उसमें से टोटल इलेक्ट्रिसिटी में से जो 9% है वो न्यूक्लियर
न्यूक्लियर सोर्स से जनरेट की जाएगी। तो किस ईयर तक ये टारगेट रखा गया है, किस साल तक ये टारगेट रखा गया है? 2047, 2025, 2030, 2027। राइट आंसर इज 2047, ऑप्शन वन। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द 2023 इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स? किसको सिलेक्ट किया गया है 2023 इंटरनेशनल प्राइज स्टैटिस्टिक्स के लिए, मतलब किसने ये प्राइज जीता है? डेविड कॉक्स, या राव, ब्रैडली एफ्रॉन, नैन लियोड, नैन लॉयड। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सी आर राव, कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव, जो कि इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन है, स्टैटिस्टिशियन है। नेम द इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हु हैज रिसेंटली वन द मैन सिंगल टाइटल एट द 2023 ऑरलीन्स मास्टर्स इन फ्रांस। इंडिया के उस प्लेयर का नाम, बैडमिंटन प्लेयर का नाम बताओ जिसने रिसेंटली मैन सिंगल टाइटल जीता है 2023 ऑरलीन्स मास्टर्स में, जो कि फ्रांस में हुई थी। प्रियांशु राजावत, सत्विक शिराज, रनकी रेड्डी, मनु अत्री, शभनकर दे। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रियांशु राजावत। द सेकेंड मीटिंग ऑफ G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप वॉज ऑर्गेनाइज इन सिटी। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की सेकेंड मीटिंग किस सिटी में ऑर्गेनाइज हुई थी? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कुमारकोम। राइट आंसर इज कुमारकोम, ऑप्शन डी, जो कि केरला में लोकेटेड है सिटी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द बरोक्सा ट्रस्ट ऐप लॉन्च। इट इज़ रिलेटेड टू, क्वेश्चन थोड़ा गलत फ्रेम हुआ है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पे बरोक्सा ट्रस्ट ऐप लॉन्च की है? नहीं, लॉन्च की है, ये किस से रिलेटेड है? रेल पैसेंजर सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी, नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज वुमेन सेफ्टी। और ये लॉन्च की गई है, एक ऑर्गेनाइज इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था गुवाहाटी हाई कोर्ट में, तो वहाँ पे ये प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया है भरोसा ट्रस्ट ऐप फॉर वुमेन सेफ्टी। द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हैज सेट द टारगेट टू अचीव 20 GW कैपेसिटी ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन बाय विच ईयर? डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने किस ईयर को टारगेट रखा है कि इस ईयर तक 20 GW कैपेसिटी न्यूक्लियर पावर इंडिया में जनरेट की जाएगी? 2030, 2040, 2050, 2060। राइट आंसर इज 2030, ऑप्शन ए। रिसेंटली इंडियन नेवी कंडक्टेड एक्सरसाइज डैश इन द ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया ऑफ मुंबई। रिसेंटली इंडियन नेवी ने कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट की है ऑफ ये मुंबई के ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया में? प्रस्थान निर्गम, प्रकाश दिवस। राइट आंसर इज प्रस्थान। और ये एक्सरसाइज हर 6 months के बाद कंडक्ट की जाती है। गवर्नमेंट इज लाइकली टू सेट अप डेट फाइनेंस कमीशन इन 2023 टू सजेस्ट द रेशो फॉर सेंट्रल स्टेट टैक्स डिवोल्यूशन फॉर 5 years। गवर्नमेंट कौन सा फाइनेंस कमीशन सेटअप करने जा रही है 2023 में, जो सजेस्ट करेगा टैक्स रेशो, ये रेशो सेंटर स्टेट, ये टैक्स रेशो सजेस्ट करेगा सेंटर और स्टेट के लिए 5 years के लिए, 15th, 16th, 17th, 18th। राइट आंसर इज बी, 16th फाइनेंस कमीशन। हु हैज क्लिंच हिज फर्स्ट एवर टूर टाइटल ऑर्लीन्स मास्टर सुपर 300 टूर्नामेंट इन फ्रांस? क्वेश्चन हमने ऊपर डिस्कस किया, रिपीट हुआ ये, इसका आंसर है प्रियांशु राजावत, ऑप्शन ए। हु वॉज ऑनर्ड विद द यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड बाई द अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन? किस को यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा? डॉक्टर वी जी सोमानी, डॉक्टर एस ईश्वरा रेड्डी, डॉक्टर पी बी एन प्रसाद, डॉक्टर नित्या अब्राहम। राइट आंसर इज डॉक्टर नित्या अब्राहम, जो कि इंडियन अमेरिकन फिजिशियन है, फिजिशियन भी है और प्रोफेसर भी हैं। एज पर रिपोर्ट ऑब्सिटी अमंग इंडियंस इंक्रीज बाय डैश डैश बिटवीन 2019 एंड 2022। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑब्सिटी इंडियंस
में कितनी परसेंट इंक्रीज़ हुई है 2019 से लेकर 2022। ओबेसिटी मतलब फैटनेस, ये ओवरवेट की जो प्रॉब्लम है, तो ये कितनी परसेंट इंक्रीज़ हुई है इन 3 सालों में। 30%, 40%, 50%, 60%। राइट आंसर इज 50%। और ये रिपोर्ट है अपोलो एनुअल हेल्थ ऑफ द नेशन रिपोर्ट, इसके अकॉर्डिंग 30% जो है ओबेसिटी इंडियंस में इंक्रीज़ हुई है 2019 से लेकर 2022 तक। 50% सॉरी। विच फार्मा कंपनी हैज़ वन द बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड एज पार्ट ऑफ द वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड एट द वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड में किस फार्मा कंपनी ने बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड जीता है? ये अवार्ड दिए गए थे वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस में जो कि हुई थी वाशिंगटन USA में। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड, भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ZS लाइफ साइंस लिमिटेड। राइट आंसर इज भारत बायोटेक, जो कि हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। और ये फर्स्ट वर्ल्ड की फर्स्ट प्रोड्यूसर भी थी भारत बायोटेक इंटरनेशनल COVID-19 वैक्सीन जो था इनकोवैक्स, तो ये सबसे पहले भारत बायोटेक ने ही प्रोड्यूस किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट विल लॉन्च स्पेशल स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू पोअर डैश। सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेशल स्कीम लॉन्च करेगी जिसके तहत फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी पोअर। ऑप्शन है प्रिजनर्स, वोमेन, स्टूडेंट, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज प्रिजनर्स। जो पोअर पीपल हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि कोई पेनल्टी पे करनी हो या बेल अमाउंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनको उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की जाएगी। गोडा पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? गोडा पावर प्लांट किस स्टेट में लोकेटेड है? त्रिपुरा, झारखंड, आसाम, बिहार। राइट आंसर इज झारखंड। ये न्यूज़ में इसलिए था कि बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने 450 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी रिसीव की है गोडा प्लांट ऑफ अडानी पावर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ किरण रिजिजू हैड रिसेंटली रिलीज विद एडिशन ऑफ द डोगरी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यूनियन मिनिस्टर जो लॉ के हैं किरण रिजिजू, इन्होंने कौन सा एडिशन लॉन्च किया था रिसेंटली डोगरी वर्जन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डोगरी वर्जन था, इन्होंने ये कौन सा एडिशन लॉन्च किया था? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फर्स्ट एडिशन। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब उसको डोगरी में भी ये रिलीज किया गया और ये फर्स्ट एडिशन है। ये थे हमारे 12th अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद है ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।